हेलो स्टूडेंट्स, आरसी एजुकेशन आपकी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि रसायन में आज अपन स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 6, अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं। अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं, पिछली क्लास तक अपन ने लेसन नंबर 5 को अपन ने कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चंस वगैरह उसे कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं। तो इसकी बात करें तो अपन अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं, तो पहले सबसे पहले बात करते हैं इसका परिचय। इसके बाद करते हैं बेटा परिचय की बात करते हैं। ध्यान से देखिए, अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं, तो ध्यान दीजिए, अगर अपन लगातार क्या करेंगे, उर्वरक, क्या करेंगे उर्वरक, इसके लिए फसल उत्पादन के लिए, वो भी क्या अधिक फसल उत्पादन, क्यों अधिक जनसंख्या होने के कारण, अधिक जनसंख्या होने के कारण क्या चाहिए अपन को, अधिक फसल उत्पादन, उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं उर्वरक, जिससे मृदा क्या हो जाती है, या तो अम्लीय हो जाती है या लवणीय हो जाती है। इस कारण से मृदा की जो क्षमता है, मृदा की जो क्षमता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा उर्वरता, क्या बोलते हैं उर्वरता, उर्वरता जो होती है वो क्या हो जाती है प्रभावित हो जाती है, और धीरे धीरे फसल का जो उत्पादन है वो क्या होता है कम हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं। तो लगातार उर्वरक का प्रयोग करने से, लगातार लवणीय जल का उपयोग करने से, सिंचाई जल का उपयोग करने से, या लगातार एक ही फसल करने से मृदा की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, मृदा या तो अम्ले हो जाती है या लवणे हो जाती है, इसे कहते हैं अपन अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाएं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, अम्ले मृदा की। इसकी बात करेंगे बेटा अम्ले मृदा की, तो देखिए इधर अम्ले मृदा क्या होती है, अम्लता की अपन बात कर चुके, पीएच की अपन बात कर चुके, क्षारकता की बात कर चुके, कहां पर पीएच कैसे प्रभावित होती है उसके बारे में बात कर चुके। अब अपन बात करते हैं कि अम्लीय मृदाएं प्राय कहां पाई जाती है, नम जलवायु प्रदेशों में, उसमें पाई जाती है नम जलवायु प्रदेशों में, जहां पर अधिक वर्षा होती है, क्या होती है अधिक वर्षा होती है, वर्षा के कारण उसमें अम्लीय आयन जैसे आपके H+ और Al+3 आयनों की क्या हो जाती है अधिकता हो जाती है। देखो अम्लीय मृदा कहाँ पाई जाती है, नम जलवायु प्रदेशों में, कहाँ पाई जाएगी नम जलवायु प्रदेशों में, जहां पर सामान्यतः वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण से उसमें कौन से आयन अम्लीय आयन जैसे H+ आयन हुआ, Al+3 आयन हुआ, NO3- आयन हुआ, ये सब आयन कौन से हैं अम्ले आयन है, इनकी क्या होती है सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, इनकी प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिससे मृदा क्या हो जाती है अम्ले हो जाती है, राइट। दूसरा कारण अधिक वर्षा होने के कारण जो मृदा संकीर्ण है, इसकी बात करें बेटा मृदा संकीर्ण मतलब मृदा की जो परत है उसमें क्या हो जाते हैं धनायन निकल जाते हैं, धनायन क्या हो जाते हैं निकल जाते हैं, मतलब उनका हो जाता है निक्षालन, क्या हो जाता है निक्षालन, और धनायन जो होंगे कौन से Ca+2 Mg+2 Na+, इनका विस्थापन हो जाता है इन अम्ले आयनों से, इस कारण भी मृदा क्या हो जाती है अम्ले हो जाती है। ऐसी मृदा को क्या कहते हैं अपन अम्लीय मृदा कहते हैं, ऐसी मृदा को क्या बोलते हैं बेटा अम्लीय मृदा कहते हैं। अब देखिए बेटा अम्लीय मृदाओं की क्या होती है धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है कम होती है, क्या होती है कम होती है, ऑलरेडी क्या हुए धनायन निकल चुके हैं, इस कारण तो क्या होगी अम्ले, अब अम्ले होने के बाद में उसमें धनायन विनिमय संभव नहीं है, इसलिए अम्ले मृदा की क्या होती है धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। दूसरी बात बेस संतृप्ति भी कम होगी, क्या होगी बेस संतृप्ति भी कम होगी,
धनाइल विनिमय समता से ही क्या होती है, बेस संतृप्ति। क्या होती है? बेस संतृप्ति। कैसे डिफाइन करते हैं अपन कि धनायन विनिमयशील धनायन बटा कुल धनायन विनिमय क्षमता इंटू 100 क्या कहलाती है? बेस संतृप्ति, प्रतिशत बेस संतृप्ति। क्लियर, राइट। इसके अलावा अम्लीय मृदा में क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं बेटा? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, जैसे H2CO3, जैसे ह्यूमस, इनकी मात्रा अम्लीय मृदा में क्या होती है? ज्यादा होती है। कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं, जैसे H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, दूसरा है आपका ह्यूमस, इनकी वजह से मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। क्लियर। और अपने भारत की बात करें तो जितने भी ठंडे आपके राज्य हैं उनमें अम्लीय मृदा अधिक पाई जाती है। तो ठंडे राज्य हैं जहां पर वर्षा अधिकतर होती है, जैसे आजकल बिहार में हो रही है, राइट। तो इन सब राज्यों में क्या होता है? मृदा जो होती है वो अम्लीय पाई जाती है। उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र, इन सब में वर्षा अधिक होती है। इस कारण से जो आपकी मृदा होती है वो क्या होती है? अम्लीय होती है। क्लियर बेटा। तो ये अम्लीय मृदा की परिभाषा और कैसे कैसे आपकी मृदा अम्लीय हो जाती है। अब बात करते हैं अपन किसकी? मृदा अम्लता के प्रकार की। ये बात करते हैं मृदा अम्लता के प्रकार की। दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी सक्रिय अम्लता, कौन सी? सक्रिय अम्लता। और दूसरी होती है आपकी विनिमय अम्लता, कौन सी होती है? विनिमय अम्लता। सक्रिय अम्लता और दूसरी होती है आपकी विनिमय अम्लता। क्लियर। तो यहां पर अपन बात करें सक्रिय अम्लता, तो सक्रिय अम्लता जो होती है वो मृदा विलयन में उपस्थित किसके कारण होती है बेटा? ध्यान देना, H+ आयनों के कारण। किस कारण होती है? H+ आयनों के कारण उत्पन्न होती होने वाली अम्लता को कहते हैं अपन सक्रिय अम्लता कहते हैं। अगर मृदा विलयन में कौन सा आयन उपस्थित है? H+ आयन उपस्थित है। कौन सा आयन उपस्थित है? H+ आयन उपस्थित है, तो उसको क्या कहेंगे अपन? सक्रिय अम्लता कहते हैं। तो अगर तो दूसरी बात करें अपन कौन सी? विनिमय अम्लता। कौन सी बात करें? विनिमय अम्लता। अगर मृदा संकीर्ण में, किसमें बात करें? मृदा संकीर्ण में H+ तथा Al+3 आयनों का क्या हो जाए? अधिशोषण। क्या हो जाए बेटा? अधिशोषण, तो उसे क्या कहते हैं? विनिमय अम्लता कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विनिमय अम्लता कहा जाता है। क्लियर। यदि मृदा विलयन में क्या हो? मृदा विलयन में क्या हो? H+ आयन उपस्थित हो, क्या कहलाती है? सक्रिय अम्लता। और यदि मृदा संकीर्ण में H+ आयन और Al+3 आयन हो, क्या हो? अधिशोषण, तब जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं विनिमय अम्लता। यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना मेरे बेटा। तो इसको बोलते अपन मृदा अम्लता के प्रकार, सक्रिय अम्लता H+ आयनों के कारण, और विनिमय अम्लता अधिशोषित H+ तथा Al+3 आयनों के कारण। क्लियर बेटा। तो यहां पर जो सक्रिय अम्लता और विनिमय अम्लता है उसको अपन यहां पर अभिक्रिया से प्रदर्शित करेंगे। ये अपने पास में क्या है? मृदा क्लय है। क्या है बेटा? मृदा क्लय है। और यहां भी क्या है अपने पास में? मृदा क्लय है, राइट। यहां पर अपने पास में सारे आयन है, Al+3, Ca+2, यहां पे अपने पास में Mg+2, और यहाँ पे अपने पास में H+, ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है आपका? मृदा विलयन। क्या बन रहा है? मृदा विलयन। तो इसको अपन क्या कहेंगे? आपकी विनिमय अम्लता। क्या कहेंगे बेटा इसको? विनिमय अम्लता। क्या कहेंगे इसको? विनिमय अम्लता। और जो अपने पास में परिवर्तित होके क्या आ जाए उसमें? H+ आ जाए। क्या आ जाए उसमें? H+, तो हो जाएगी आपकी वो सक्रिय अम्लता।
हो जाएगी आपकी वो सक्रिय अम्लता हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से अपन ने आज की क्लास में अम्ले एवं लवण प्रभावित मृदाओं में उसका परिचय, अम्ले मृदा क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, अम्लता कैसे उत्पन्न होती है मृदा में, और मृदा अम्लता के प्रकार क्या है, मतलब सक्रिय अम्लता और विनय अम्लता के बारे में बात की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।